अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं बनाऊंगी चावल के आटे के टोडे। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखें माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। एक प्याली चावल का आटा, 2 चम्मच गेहूं का आटा, 1/2 चमची नमक, 2 चम्मच ऑयल, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे, इसका घोल तैयार कर लेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना। आटा हमने तैयार कर लिया, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, इतना पतला रखना है। इसको कटोरी में डाल लेंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है, 1 चम्मच ऑयल डाल लेंगे, इसे फैला लेंगे थोड़ा सा। इसका हम टोडा तैयार कर लेंगे। इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। एक चम्मच ऑयल डाल लेंगे। इसे उल्टा लेंगे, 1 चम्मच ऑयल इधर भी डाल लेंगे। चावल के आटे में लाजमी गेहूं का आटा थोड़ा सा डालें, इससे हमारी रोटी टूटती नहीं है, जिसे हम टोडा बोलते हैं ना। इसमें गेहूं का आटा नहीं डालेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। इधर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। टोडा हमारा तैयार हो चुका है, इसे बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह ये देखें, इसे फैला लेंगे। ये वाला टोडा हमारा भी तैयार हो चुका है, इसे भी बाहर निकाल लेंगे। चूल्हे को बंद कर देंगे। टोडे हमारे तैयार हो चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।